एक प्रश्न पूछा गया है सक्सेस के बारे में, कामयाबी के बारे में, कि अगर जिंदगी में कामयाब होना हो, सक्सेसफुल होना हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। आजकल लोगों की नज़र में सक्सेस का मतलब यह है कि अपनी हर चीज़ को बड़ा कर लेना, बड़ा घर हो, बड़ा बैंक बैलेंस हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ी पोस्ट हो, बड़ी नौकरी हो, बड़ा बिजनेस हो। पर क्या सिर्फ हर चीज़ को बड़ा कर लेना ही सक्सेस है? अगर इंसान की हेल्थ अच्छी नहीं है तो क्या बाहर की ये सब चीज़ें उस इंसान को खुशी दे सकती हैं? अगर कोई इंसान मन से दुखी है, रिश्तों से दुखी है, तो चाहे कितना भी बड़ा घर हो, क्या उसे सुख मिल सकता है, खुशी मिल सकती है? सक्सेसफुल इंसान वही है, कामयाब इंसान वही है जो फिजिकली, इमोशनली, मेंटली और फाइनेंशियली खुश है। इनमें से अगर कोई भी चीज़ आपकी बिगड़ी हुई है तो आप कभी भी खुश नहीं हो पाएंगे। यदि आप अपने शरीर से ही परेशान हैं तो बाहर की कोई चीज़ आपको खुशी नहीं देगी। यदि आप मन से परेशान हैं तो भी बाहर की बातें आपको खुशी नहीं दे पाएंगी। और यदि आप फाइनेंशियली परेशान हैं, आपको धन की तकलीफ है, तो भी आप खुश नहीं रह पाएंगे। सफल आदमी वही है जो तन से, मन से और धन से प्रसन्न है। सिर्फ एक चीज पा लेने से आप सक्सेसफुल इंसान नहीं बन जाते हैं। मनी गिव्स यू कंफर्ट, धन आपको कंफर्ट देता है, सुविधा देता है, खुशी नहीं दे सकता। हाँ, टेम्पररी खुशी दे सकता है, पर कुछ समय बाद फिर मन में कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई उलझन आ खड़ी होती है। तो यदि आप सफल इंसान बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं, तो आपको चार चीजों में हर दिन ग्रो करना होगा। चार बातों को आपको हर दिन और आगे बढ़ाना होगा। वो कौन सी चार बातें हैं? सबसे पहली बात है आपकी हेल्थ, आपका शरीर। जब तक आपका शरीर है, तब तक आपके रिश्ते हैं, आपकी दुनिया है, आपकी नौकरी है, आपकी खुशियां हैं, आपके दुख हैं, सब कुछ आपके शरीर से जुड़ा है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप फिजिकली फिट हों, आपका शरीर बिल्कुल ठीक हो। लोग दुनिया की दौड़ में इतना तेज दौड़ते हैं कि अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रखते। जब सब कुछ खाने की ताकत होती है शरीर को, तो इंसान कमाने में पूरा होता है, और जब कुछ कमा लेता है तो डॉक्टर कहता है कि अब आप कुछ खा नहीं सकते, क्योंकि लोग एक ही चीज के पीछे भागते हैं और चीजों को भूल जाते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है आपका शरीर बिल्कुल फिट हो, और आपको उसको स्वस्थ रखने के लिए हर दिन उस पर काम करना होगा। आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब सोना है, कब उठना है, आप कैसा फूड खाते हैं, आप ग्रीन फूड खा रहे हैं, आप न्यूट्रिशियस फूड खा रहे हैं, या फिर आप जंक फूड खा के अपना शरीर खराब करते हैं। आप अपने भोजन के द्वारा अपने शरीर के भीतर जीवन डाल रहे हैं या मृत्यु। ग्रीन फूड, ग्रीन वेजिटेबल्स आपको लाइफ देता है, अल्कालाइन फूड आपको लाइफ देता है, और जंक फूड आपके शरीर में टॉक्सिन्स पैदा करते हैं, आपके शरीर में बीमारियां पैदा करते हैं, जिससे आपके शरीर की उम्र घट जाती है। ना आपका शरीर ज्यादा चल पाता है, ना आपका शरीर ज्यादा स्वस्थ रहता है। तो बहुत जरूरी है इन बातों का ज्ञान होना कि आपके शरीर को क्या चाहिए, आपके शरीर को कितना प्रोटीन चाहिए, कितने विटामिन, कितने मिनरल्स चाहिए। आपको जरूर इन बातों की जानकारी होनी चाहिए। इंसान और जानवर में यही तो फर्क है कि इंसान को हर बात का ज्ञान है। ऐसे ही कभी भी कुछ भी खा लेना, ये आदत आपके शरीर को खराब कर देती है। तो यदि आप सक्सेसफुल इंसान होना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए, आप शरीर से स्वस्थ हों, और रोज अपने आप से सवाल पूछें कि आप अपने शरीर के लिए रोज क्या करते हैं, उसको स्वस्थ बनाने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए। आप अपने शरीर को जीवन की ओर ले जा रहे हैं या मृत्यु की ओर? क्योंकि जो भी आप अपने शरीर के भीतर डालेंगे, वैसा ही आपका जीवन होने वाला है। और अन्न का आपके मन पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हर दिन आप ये प्रयास करिए कि सबसे पहले तो आपका शरीर फिट हो, क्योंकि आपका शरीर ही आपको हर खुशी देगा। दुनिया की हर चीज आपको आपका शरीर ही देगा। और दूसरी बात, आप इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग हो, आप भावनात्मक रूप से और अपने मन से मजबूत हो। हर थोड़ी सी बात में आप दुखी हो जाए, हर थोड़ी सी बात में आप डर जाए, घबरा जाए, छोटी छोटी बातों पे आपको चिंता हो जाए, किसी की भी बात पे आप जल्दी से गुस्सा हो जाए, इन सब भावनाओं पे आपको कंट्रोल होना चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि कैसे कंट्रोल करें, तो इसके लिए आपको स्पिरिचुअली
ग्रो करना जरूरी है, आपको आध्यात्मिक रूप से भी ग्रो करना जरूरी है। अध्यात्म का संबंध किसी संस्था से या किसी धर्म से या किसी जाति से नहीं है, अध्यात्म का संबंध आपसे है। अध्यात्म शब्द का अर्थ होता है अधि आत्म, द सेल्फ कंट्रोल, अपनी भावनाओं पे नियंत्रण करना सीखना। आप जब चाहे जहाँ चाहे खुश रह सके, जब आपका मन हो प्रसन्न होने का आप प्रसन्न हो सके। ऐसे ही कोई राह चलता इंसान आपको गुस्सा न दिला पाए, ऐसे ही कोई इंसान आपका दिल न दुखा पाए, इतना आपको भावनात्मक रूप से मजबूत होना है तो उसके लिए आपको आध्यात्मिक रूप से उन्नति करना बहुत जरूरी है। कई लोग पूछते हैं कि हम कैसे करें, क्या करें, उसके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो आप अपने साथ बैठना शुरू कीजिए। आपका खुद के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, आपको पता ही नहीं कि आपके इमोशंस कैसे काम करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी कमजोरी क्या है। कभी अकेले में बैठना सीखिए। लोगों का मन इतना चंचल है, लोग 5 मिनट के लिए भी सोने के अलावा अपनी आंखों को बंद ही नहीं करते। सबसे ज्यादा आपकी ऊर्जा आपकी आंखों से नष्ट होती है। यदि आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके बैठने का प्रयास करेंगे, तभी आप खुद से परिचित हो पाएंगे, तभी आपको खुद का पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है। कभी अकेले में बैठ के आप लिखिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी शक्ति क्या है, आपकी कमजोरियां क्या है, कौन सी चीज आपको दुख देती है और कौन सी चीज आपको खुशी देती है, और जो आपकी कमजोरियां हैं उसे आप कैसे ठीक करें, और जो आपकी शक्ति है उसे आप कैसे और मजबूत करें। तो रोज थोड़ी देर ही सही आंखें बंद करके बैठना सीखिए, खुद को सुनना सीखिए, खुद को समझना सीखिए। क्योंकि जब तक आप खुद से जुड़ेंगे नहीं, तब तक आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे। कई लोग कहते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं। डर खत्म नहीं होता, चिंता खत्म नहीं होती, गुस्सा खत्म नहीं होता। डाइटिंग करना चाहते हैं, डाइटिंग नहीं कर पाते। बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं, वो नहीं छूटती, क्योंकि आपको खुद पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। पर जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं या प्रे करते हैं, या शांति में आप अकेले बैठ के थोड़ा चिंतन करते हैं, तो आप भावनात्मक रूप से और मजबूत हो जाते हैं, जिससे आपका अपनी भावनाओं पे कंट्रोल आने लगता है। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि ये अध्यात्म, ये स्पिरिचुअलिटी सिर्फ धार्मिक लोगों के लिए है। नहीं, ये हर एक उस इंसान के लिए है जो अपने मन से प्रसन्न रहना चाहता है। अध्यात्म का सीधा सा संबंध आपके मन के साथ है, आपकी भावनाओं के साथ है। आपको एक बात पता है, इंसान को अगर एक बार धन का दुख हो तो भी इंसान परवाह नहीं करता, कोई बात नहीं, चल जाती है जिंदगी। शरीर का दुख हो तो भी चल जाती है जिंदगी, लोगों को इतना खास फर्क नहीं पड़ता। पर अगर मन दुखी हो तो एक एक पल बहुत मुश्किल से कटता है। अध्यात्म का सीधा सा संबंध आपके मन के साथ है। तो ये आपकी जिंदगी का बहुत जरूरी पहलू है कि आपको रोज आध्यात्मिक रूप से उन्नति करना है, आगे बढ़ना है। उसके लिए आप ध्यान कीजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए, उसके लिए परमात्मा के पवित्र नामों को पुकारिए, उसके लिए आप साइलेंस में बैठना सीखिए, चाहे 5 मिनट के लिए ही सही, आंखें बंद करके बैठना तो सीखिए। लोग कहते हैं शांति चाहिए, शांति चाहिए। अरे पहले आप शांति करो तो सही, आप शांति से 5 मिनट बैठो तो सही। किसी के पास फुर्सत ही नहीं है बैठने की, बस सब दौड़ में लगे हैं, पता नहीं क्या पाना है। यही आपकी कमी है कि आप सब चीजों को बैलेंस करके नहीं चलते। बस लोग एक ही चीज के पीछे लग जाते हैं। जहां दुनिया जा रही है, जहां दुनिया दौड़ रही है, वहां हम भी दौड़ेंगे। हर चीज की महत्वता है। तो सबसे पहले जरूरी है आपका शरीर फिट हो, उसके बाद आपका मन खुश हो। और यदि आप मन से खुश होना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप आध्यात्मिक रूप से मजबूत इंसान बने। और तीसरी बात, आप फाइनेंशियली खुश हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपका बैंक बैलेंस बहुत बड़ा हो या आपके पास बहुत बड़ा घर हो। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका बैंक बैलेंस बहुत बड़ा होता है, घर बहुत बड़ा होता है, गाड़ी बहुत बड़ी होती है, पर वो खुश नहीं होते। जो धन उन्हें प्राप्त है उससे वो खुश नहीं है। धन आपको खुशी तब देता है, कंफर्ट तब देता है, जब आप उसे लाइफ के लिए यूज करते हैं, जब वो आपकी जिंदगी में काम आए। याद रखना एक बात, धन की 3 गतियां होती है, दानम, भोगम, विनश्यति। सबसे जो अच्छी गति बताई गई धन की वो है दान। दान का मतलब सिर्फ गरीबों को दान देना नहीं। दान से लोगों को लगता है कि गरीबों को कुछ देना, दान देना है। नहीं, जिनको भी जरूरत है उनकी हेल्प करना,
वो धन की सबसे अच्छी उपयोगिता है कि किसी को जरूरत है वहाँ धन से सहायता करना, वो धन की सबसे अच्छी उपयोगिता है। चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके रिलेटिव हो, कोई भी हो। और धन की दूसरी गति यह है भोगम, कि आपके शरीर के लिए, आपके आपकी बॉडी के कंफर्ट के लिए, आपके माइंड के कंफर्ट के लिए आप उसका इस्तेमाल कीजिए। कई लोगों के पास बहुत धन होता है पर वो उसका सुख लेना ही नहीं जानते, परेशान होते रहते हैं, थोड़ी सी भी सुविधा नहीं ले पाते। तो भाई तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, इतना कमा किस लिए रहे हो? यदि आप अपने शरीर को थोड़ा सा सुख भी नहीं दे सकते तो क्या फायदा फिर ऐसे धन का। और उसकी तीसरी गति ये होती है कि विनश्यति, उसकी तीसरी गति है नाश। नाश का मतलब सिर्फ ये नहीं कि नष्ट हो जाता है या चोरी हो जाता है, नाश का मतलब ये है कि वो बैंक में सड़ता रहेगा, लोग आपके पैसे खा जाएंगे या आपका पैसा मार्केट में डूब जाएगा। जो भी डेड मनी है, जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, समझ लो कि उसका नाश ही हो गया। जो पैसा आपको शारीरिक सुख नहीं दे सकता, समझो कि वो नाश हो गया, वो आपके किस काम का। तो आप धन से सुखी हो, चाहे धन थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आप उससे सुख लेना जानते हो। एक व्यक्ति हमसे मिला, उसने हमसे एक बात कही, वो हमें बहुत अच्छी लगी। उसने कहा कि मेरे पास पैसे हो चाहे नहीं हो, पर मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, मैं अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जीता हूँ। और ये बहुत बड़ी बात है, अमीरी या गरीबी आपके बैंक बैलेंस से नहीं होती, अमीर होना या गरीब होना ये आपकी सोच पे निर्भर करता है, ये आपके दिल पे निर्भर करता है। और ये चीज हमने देखी है अपनी जिंदगी में, जिनके पास बहुत अधिक धन होता है वो किसी की सहायता नहीं करते, वो किसी को दान नहीं करते, और जिनके पास थोड़ा ही कुछ है वो कभी भी किसी की हेल्प के लिए तैयार हो जाते हैं, कभी भी किसी की मदद कर देते हैं। तो दोनों में से अमीर कौन हुआ, जो न खुद सुख ले रहा है न दूसरों को सुख दे रहा है, किस काम का ऐसा धन? और जो खुद भी अच्छे से जी रहा है, दूसरों की भी मदद कर रहा है, वो धनवान है। तो यदि आप कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं, तो इन चार बातों को बैलेंस करके चलिए। सिर्फ एक चीज के पीछे मत भागिए, आपको शरीर से भी मजबूत होना है, आपको मन से भी मजबूत होना है, आपको आत्मा से भी मजबूत होना है, और आपको धन से भी मजबूत होना है। और आप इन पे हर दिन काम करिए, हर दिन आप खुद से पूछिए कि मैं जिंदगी में कितना आगे बढ़ा। हर दिन अपने मन को चेक करिए कि क्या आप हर दिन मानसिक रूप से मजबूत हो रहे हैं या और कमजोर हो रहे हैं, क्या आपका शरीर हर दिन स्वस्थ हो रहा है या बीमार हो रहा है। कई लोग ऐसे होते हैं कि बुढ़ापे में भी जवान लगते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं कि जवानी में भी ऐसा लगता है कि इन्हें बुढ़ापा आ गया है। तो याद रखें एक बात कि आपको जिंदगी में हमेशा ग्रो करना है, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली और फाइनेंशियली। और जो भी चीज, जो भी रिश्ता आपको इन चीजों में पीछे ले जाते हैं, समझ लो कि आप गलत रास्ते पे हैं। जो रिश्ते आपको भावनात्मक रूप से कमजोर करते हैं, दुख पहुंचाते हैं, तो समझ जाओ कि ये रिश्ता गलत है, ये आपको दुख के सिवा कुछ नहीं देगा। जिस बिजनेस में आप ग्रो नहीं कर रहे, आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि और नुकसान हो रहा है, तो समझ जाओ कि वो आपके लिए नहीं है। जो लाइफ स्टाइल आपके शरीर को बीमार कर रहा है, समझ जाओ कि वो आपके लिए नहीं है। जो इंसान इन चार बातों पे हर दिन मेहनत करता है, हर दिन अभ्यास करता है, उसको कामयाब होने से, सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो अपनी जिंदगी के हर पल को खुशी और आनंद से गुजारता है।